खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, रोहटा थाना क्षेत्र से 50,000 के इनामी बदमाश दीपक सिद्धू को एनकाउंटर में लगी गोली। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। इलाज के दौरान 50,000 इनामी बदमाश दीपक सिद्धू की हुई मौत। मेरठ जिले के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में तीसरे नंबर का बदमाश था दीपक सिद्धू। दोनों तरफ फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार भी घायल। घायल बदमाश दीपक सिद्धू और सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 50,000 इनामी बदमाश दीपक सिद्धू की मौत हुई। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 50,000 का इनामी बदमाश दीपक सिद्धू पुत्र महिपाल सरधना के छबड़िया गांव का रहने वाला है। मुठभेड़ में घायल हुआ, इलाज के दौरान हुई मौत। मौके पर पुलिस तैनात। एसएसपी अजय साहनी ने पुष्टि की है। एक शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, देर रात में एक लूट की घटना हुई थी। उसके बाद सारी पुलिस टीमें पहले से ही लॉकडाउन में क्षेत्र में लगी हुई थी। इस सूचना के बाद एक लूट हुई थी रोहटा थाना क्षेत्र और सरूरपुर में। देहात के पुलिस टीम सभी अधिकारी थे। सरूरपुर घटना के बाद पुलिस टीम लगी हुई थी। उस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और एक बाइक पर दो अपराधी थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। काउंटर फायर हुआ जिसमें एक को गोली लगी और दूसरा अपराधी जो है वहाँ से भागा। इसको और हमारे एक सब इंस्पेक्टर को भी इस दौरान गोली लगी। इनको दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया सीएससी। वहाँ से गंभीर हालत को देखते हुए वहाँ से रिफ़र किया गया, जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक अपराधी की मृत्यु हुई है और जो इसकी पहचान हुई है वो दीपक सिद्धू के नाम पर हुई है, जो कि जिले के टॉप 10 अपराधी में इस वर्ष 2020 में चिन्हित है और इस पर 50,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित है। ये HS भी है। इसके साथ साथ काफ़ी समय से पुलिस और वेस्टर्न यूपी बाकी टीमें इसकी तलाश कर रही थी। पहचान के बाद पता चला इसने कई सारी गंभीर घटनाएं, लूट, हत्या और डकैती की है, जिसपे 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से एक 30 की पिस्टल और एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है और एक बाइक बरामद हुई है। बाकी पुलिस टीम अग्रिम विवेचना कर रही है। मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।